It's like 6 in the morning. You can see the light has already come up. I've reset the trip meter. All set. Everything is ready. I've connected on my intercom. All right, let's go. 6 o'clock and it's a jam packed. You can see the traffic. Hello YouTube, hello you lovely people. Welcome back to the channel. This is Raj, aapka host aur aapka bhai. And I'm back with a brand new video. This time is going to be a moto vlog where we are heading to Sukleshpur today. Our destination is somewhere like 280 kilometers. All right, the signal is open and we are good to move. Chalo. What this guy is doing. Otherwise, yeah, as always, the josh is high because we are riding. Yaar, kya sahi bana diya road yaar to? कितने गंदे थे पूछो मत भाई. और ये रोड बनने के लिए कितना टाइम लग गया था. अरे फिर से सिग्नल पड़ गया भाई. और एक चीज़ आपने नोटिस किया है किसी ने? ये देखो यहाँ पे क्या गड्ढगोल हो गया है. प्रॉब्लम ये है कि ये जाना वाला माउंट जो मैंने लगाया है नया वाला, ठीक है, उसके ऊपर ये बोबो माउंट जो फिट कर रहा था मैं कल एकदम रात में लाइक 10:30 हो गया है बिकॉज इट वॉज एट दी हैंडल बार. तो मैंने सोचा कि वहाँ पर GPS माउंट है तो वहीं पर लगा देते हैं और वो सही से काम हुआ नहीं. और सिंस इट वॉज गेटिंग लेट तो मैंने उसको सही से फिट नहीं किया है, ठीक है. तो मैं वो एलन की जो सेम साइज़ वाला है वो कैरी कर रहा हूँ. तो कहीं पे जगह टाइम मिला तो थोड़ा कर देते हैं काम. कोई भी चेंजेस ऑन योर बाइक आप एकदम राइड से पहले मत करो. वो दिस अ बिग लाइनअप ऑफ द बाइकर्स मैन. बाप रे, कम से कम 35 लोग होंगे, 35 या 40 बाइकर्स होंगे वहाँ पे. अरे बाप रे. So guys, we are at Apache Mane, which is in the Nilmangla Hasan highway. हम लोग अभी रुके for the breakfast. We have done like 70 kilometers. Hardly we have covered any distance. पीछे रुके थे, थोड़ा drone shots लिए जैसे आपने देखा होगा. और यहाँ पे हम लोग रुक के अभी breakfast करने वाले हैं. And that's my beautiful 390 adventure. What you see there? Here today, riding with Sunil Bala, his wife Sunil Ratna, Praveen. Who has come yesterday? So because of him only this ride is happening. वो मतलब हैदराबाद से आया है तो हम लोगों ने सोचा कि चलो कहीं राइड पर निकलते. आई हैड नो प्लान्स टू यू नो कम ऑन दिस राइड. तो लास्ट मिनट प्लान बन गया था. हो गया, मैं बाइक राइड भी किए हुए. देन थैंक्स टू सुनील बिकॉज माई वाइफ एंड माई डॉटर दे आर सिटिंग इन हीज कार. सो इज ड्राइविंग, आई एम राइडिंग ऑन माई 390 एडवेंचर. यू कैन सी द होस्ट प्रवीण. हम दोनों जो है कि चाइल्डहुड फ्रेंड्स से. सो हेलो, कैसा लग रहा है बाइक रेप? Awesome. हाँ. अभी देखो. रवि सुनील कार ड्राइव कर रहा है. आई थिंक वो बाइक चलाना बंद कर दिया. सबका एक टाइम है. हाँ, कब है? आएगा. कब आएगा? छोटा छोटा राइड में बाइक नहीं निकाली. राइट, सो अपना ब्रेकफास्ट हो गया है एंड दैट्स माय डॉटर हियर. से अभी निकलने का प्लान है. तो व्हाट वी डू इज वी हैव डन लाइक 70 किलोमीटर्स. तो एटलीस्ट चंद्राई पटना तक हम लोग अभी कोई स्टॉप नहीं करेंगे. ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर. आसन कम से कम आपको 202 किलोमीटर लगेगा तो इसका मतलब है कम से कम 140 किलोमीटर हम लोग कंटिन्यूस चलेंगे. और मौसम जो है अभी काफ़ी अच्छा है. धूप थोड़ा थोड़ा निकल रहा है लेकिन धूप बढ़ते बढ़ते भाई गर्मी भी बढ़ जाएगी. जैसे प्रवीण कह रहा था कि सकलेशपुर में बारिश होने की आशंका है तो इसका मतलब है कि क्लाइमेट अच्छा होने वाला है वहाँ पे. तो वी हैव डन लाइक 150 किलोमीटर्स अभी तक.
और भाई साहब को भाई अपने प्रवीण को इतना भी दिक्कत नहीं करना है कि साला पूरा एक ही टांग टांग के चले जाएंगे, फिर ऐसा ना हो कि भाई उतरने में भी दिक्कत हो जाए उसको। देखो उसका चेहरा भाई ठीक है ना। सो अभी हम लोग कंटिन्यूसली लाइक नो 80 किलोमीटर्स किए हैं जहाँ से हम लोगों ने अपना ब्रेकफास्ट किया है, और आगे में बाला और उसके वाइफ वहाँ पे वेट कर रहे हैं। आई थिंक सुनील जो है वो आगे चला गया है, सो विल एक बार कॉल करते हैं क्या उनको। हाँ कॉल करके देख लेंगे। और ऊपर देख सकते हो आप माहौल कैसा है, बादल पूरा छाया हुआ है हर जगह। आई जस्ट होप कि इट डजंट रेन मैन, आई मीन लेट द क्लाइमेट बी लाइक दिस क्लाउडी एंड ऑल। And it's a very fantastic road so far, beautiful road I should say. Right, so अभी बारिश भी शुरू हुई है, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा शुरू हुआ है। अभी वैसे भी हम लोग गाड़ी रोकेंगे नहीं। Right दोस्तों, तो अभी हम लोग ऑलमोस्ट आसन सिटी के पास है, जो हम लोग अभी लेफ्ट लेंगे यहाँ से, तो वो आसन सिटी के अंदर जाएगा। और यहाँ से हमारा जो रिसॉर्ट का डिस्टेंस है वो है लगभग 70 किलोमीटर्स। तो यहाँ पे इसलिए वेट किया कि ताकि हम लोग पूरा रीग्रुप हो जाए एंड मेक श्योर दैट यू नो वी आर ऑल गोइंग टुगेदर। लेकिन ऊपर का माहौल देखने से, आसमान में माहौल देखने से कुछ सही नहीं लग रहा है, तो हो सकता है कि बारिश आ जाए फॉर श्योर। दैट्स माय डॉटर फ्रॉम इनसाइड द कार। तो अभी हम लोगों ने मैप चालू कर दिया है, हम लोगों ने एटीएम से पैसे भी निकाल लिए थोड़ा, क्योंकि वहाँ पे शायद नेटवर्क नहीं चलेगा। तो रिसोर्ट वाले ने कहा कि भैया हो सके तो कैश लेके आ जाना, तो ठीक है हमने भी कहा चलो। देखो भैया कैसे ट्रैफिक है हासन में। अरे भैया गूगल कहाँ ले जा रहे हो हमको, अरे बाप रे क्या ट्रैफिक है भाई। So all right, we are out of the Hassan town. We हमारे पास और 63 किलोमीटर्स है to the homestay. मेरे पीछे जो है बाला है, सुनील लोग पीछे है। ट्रैफिक तो भाई बहुत बढ़ गया है, ट्रैफिक बहुत बढ़ गया है। ऐसा नहीं लग रहा कि मैं हाईवे पे चला रहा हूँ। Most of the route, ठीक है, it's damn heavy traffic. ऐसा लग रहा है कि मैं सिटी के रिंग रोड पे चला रहा हूँ। अरे भाई भाई ऊपर देखो भाई, एकदम बादल एकदम काला सा मंडरा रहा है, और यहाँ पे रोड भी काफ़ी वेट है, तो इसका मतलब यहाँ पे बारिश हो गई है ऑलरेडी। फिर से हो सकती है। भाई 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 रुक गए, अभी तो पहनना ही है। और गोप्रो का स्पीकर भी निकाल के अंदर रख देता हूँ, ठीक है, फिर आपसे आगे मिलता हूँ भाई। ओके भैया हम लोग तैयार हो गए हैं, अपना रेनकोट वगैरह सब पहन लिए हैं। It's time to move. और 57 किलोमीटर्स, 1.5 आवर दिखा रहा है टाइम। ऑलमोस्ट यहाँ पे मतलब 20 मिनट लग गया भाई। यही प्रॉब्लम होता है बाइकर का, मतलब इतना आसान नहीं होता है, ठीक है, स्पेशली जब बारिश होती है ना। तो मैंने अपना GoPro का बैटरी भी चेंज कर दिया है, और जो माइक अडेप्टर है वो भी मैंने बंद कर दिया है, एक्सटर्नल माइक का जो भी है। तो चलो फिर अभी अभी बारिश भी हो जाए कोई टेंशन नहीं है भाई, एटलीस्ट। सो वी स्टिल हैव अनदर 35 किलोमीटर्स, और now we have stopped here to have the bit of water. It's like, you know, kind of dehydrating there. So Ige's friends nam solpa kannada maatadte. Okay, nimma hesaru? Shiva. Neevu? Kishore. Neevu? Avaru nam channel li subscribe maadido tumbha dhanyavaada ga. Thank you so much. Thank you. Chalo yahan pe पानी का रिफ्रेशमेंट भी हो गया है। एक्चुअली सुनील और बाकी लोग वहाँ पे खड़े हैं, जस्ट कॉल मी नाउ। चलो गाइस बाय, सी यू, थैंक्स टू दिस गाइस, उन्होंने सब्सक्राइब किया है चैनल को। हर एक सब्सक्राइबर इम्पॉर्टेंट होता है, हर एक सब्सक्राइबर फ्रेंड इम्पॉर्टेंट होता है। सो वी आर स्टिल लाइक अनदर 20 किलोमीटर्स टू द रिसॉर्ट, और यहाँ पे चाय पानी थोड़ा हो गया है, और बारिश कुछ है ना, हाँ फिर से शुरू हो गए यहाँ पे। जब आए थे तो बारिश नहीं थी, बट फिर से बारिश शुरू हो गई है।
सब रेडी हो गए अभी, थोड़ा बहुत रिफ्रेश हो गए। 1 आवर का रास्ता है फिर अभी टू द रिसोर्ट। भाई साहब फिर से बारिश शुरू हो गई है और यहाँ से निकलेंगे अभी हम लोग। हाय, अरे चुनाडा भाई चल वाला। सो इट्स लाइक 25 किलोमीटर्स 44 मिनट्स। सही कवर्स है भाई, सही कवर्स है। Like just another 800 meters और almost पहुँचने ही वाले हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा रोड खराब है। स्टोन वैली यार, वो there's a small water crossing dude. Whoa, just look at this man. So there's basically क्या है कि ये एक वाटर स्ट्रीम है यहाँ पे, और इसीलिए ऊपर से आपको वो ब्रिज बनाया गया है, ठीक है। और अभी हम लोग क्या करेंगे, अपना बाइक्स लेके आके क्रॉस करेंगे। बट क्या सीरियसली क्या मस्त जगह है भाई, भला एंजॉय कर रहा। यहाँ पे भाई नेटवर्क ही चला गया ना, बट लुक एट दिस मैन, इट्स लाइक रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। लेट मी क्लियर द लेंस, सी दिस, मस्त जगह है यार, एकदम मस्त जगह है। और एक है यार, आई थिंक और एक वाटर क्रॉसिंग है यहाँ पे। ये ऊपर से जाएगा नीचे से जाएगा क्या है, बट लेट मी सी। दो वाटर क्रॉसिंग है बेसिकली यहाँ पे। Let me just see this. I think जाएगा यार, पर यहाँ पे थोड़ा डीप है ना, ये थोड़ा ठीक है एक्चुअली, वो थोड़ा डीप होगा, करेक्ट। कितना डीप है, करेक्ट। हाँ ये पूरा डीप है यहाँ पे, ये पत्थर है एक्चुअली। हाँ ये थोड़ा रिस्की हो सकता है करीब, क्योंकि काफ़ी डीप है यहाँ पे देखो। चलो विल कैंसिल द प्लान, नहीं वहाँ पे काफ़ी डीप है, सो डजंट मेक सेंस टू टेक अ बिट ऑफ अ रिस्क। बट सीरियसली यार क्या सही जगह है वो। हाँ रुद्रा, आई होप यू एंजॉइंग, चेक दिस आउट। हम पहुंच गए हैं अपना होटल विच इज़ वाइट स्टोन रिसॉर्ट्स इन सकलेशपुर, और हम लोगों ने चेक इन कर दिया है। इट्स बीन लाइक यू नो हाफ एन आवर सिंस वी हैव रीच्ड हियर, बिकॉज़ इट्स बीन रेनिंग लाइक हेवीली, ठीक है। इट्स मतलब जब से आए मतलब रुका ही नहीं है। ओके लेट मी शो यू द रूम नाउ, दिस इज द रूम, व्हाट यू कैन सी। सो ये बेड है, आई थिंक 3 लोग तो इसमें हो जाए भाई कंप्लीट आराम से। फॉरगेट अबाउट दीज थिंग्स, हम लोग अंदर आए हैं और थोड़े मैं और बाला पी गए तो अपना कपड़ा वगैरह सब निकाल के हम यहीं पे रखते हैं। एंड दिस इज हाउ इट लुक्स, काफी डिसेंट है आई शुड से, इनफैक्ट बहुत स्पेसियस भी है। तो हम लोग एक्चुअली 4 लड़के हैं, तो आई थिंक 3 लोग ऊपर सो जाएंगे, एक बंदा एक्स्ट्रा बेड मांग लिया हम लोगों ने। द बाथरूम इज यू कैन सी not bad either, so well maintained actually, it's quite neat. And welcome bhai Raj aur yeah, so ye pura saman aisa hai, aur bahar ka view kuch aisa hai,
ठीक है, और ये और एक रूम हमको, सो ये बेसिकली दो रूम हम लोगों को मिल गया है। नाना हाय हाय हेलो हाय नाना शनवी हाय जो टाइमिंग है See the city arrangement and everything. Okay, so what do we have here? This is roti, rice, this is veg section. So we have veg pulao. This is over there. Sir, again, is it? This is paneer starter. Okay. Paneer masala. Okay, paneer starter. Rasam. Okay. Dalu. Okay. Hamare palli aso. Okay. Papad. Curd. स्वीट गुड मॉर्निंग गाइज, बहुत बारिश, कल ही बारिश हो रही थी क्योंकि देयर वाज नो रिस्पाइट फ्रॉम रेन व्हाटसोएवर, तो इसीलिए हम लोग कहीं जा भी नहीं पाए थे। ये है कि वील हैव द ब्रेकफास्ट एट द डाइनिंग एरिया, ब्रेकफास्ट करेंगे और यहाँ से हम लोग वापस बैंगलोर के लिए निकलेंगे क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कुछ करने के लिए और है ही नहीं फिलहाल। सो इट्स जस्ट अ फैमिली ट्रिप, तो यू नो नथिंग मच टू डू ऑन द एडवेंचर साइड, बट डेफिनेटली वी विल लुक फॉरवर्ड फॉर डूइंग सच एडवेंचर ट्रिप्स फॉर श्योर। सो फाइनली धूप आया है, बाई द टाइम मैंने कैमरा रेडी करते करते यू नो धूप चला गया है, सो दैट्स हाउ फास्ट यू नो द क्लाइमेट और द वेदर इज चेंजिंग ओवर हियर। अभी हम लोग अभी डाइनिंग हॉल में है एंड वी ऑल ऑलमोस्ट कम्प्लीटेड आर ब्रेकफास्ट। द ओनली बेस्ट थिंग अबाउट दिस प्लेस इज द ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट बहुत ही बेहतरीन है, यू नो ईच एंड एवरी आइटम इज वेरी वेरी डिलीशियस। सो अभी जल्दी से ब्रेकफास्ट खत्म कर लेंगे, चाय पियेंगे, उसके बाद रूम में जाएंगे, पैकिंग करेंगे, पैकिंग करके यहाँ से हम लोग निकलेंगे। यहाँ पे यू नो डाइनिंग हॉल में वाईफाई भी आ रहा है, तो प्रवीण वगैरह सबको फ़ोन करके सलामत है करके बोल दिया है। वेदर पक्का ब्यूटीफुल। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ मैन। हाँ मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। करवाया क्या? अपना जान पाई चलने का चाह रहा है। यू फाइंड दिस? इट्स वेरी गुड, इट्स नियर नेचर, no network, nothing. But today we found out that there is Wi-Fi in dining. So everybody is busy.
రండి. रेडी नाउ, कार में लगेज वगैरह हम लोगों ने रख दिया है और अपना लगेज वहाँ पे सेट है. बाइक्स भी रेडी है, वार्म अप कर दिया हम लोगों ने बाइक्स को भी. बट अभी देखो जैसे कि निकलने ही वाले थे, यू नो द रेन हैज स्टार्टेड अगेन, तो इसीलिए विल जस्ट वेट फॉर सम मोर टाइम. राइट, सो वी आर गुड टू मूव. 11 नाउ, 11:10 एक्चुअली. So alright folks, I'm going to end my video here. That's all what I have to bring in this vlog. Two things before I wind up today's vlog. What I've noticed is, today also I've noticed, but previously also, there are two things what I would like to, you know, request you viewers, if in case you're watching this video. One, especially if in case you're traveling in a car or in a bus, please do not litter it on the road. Because hum log khud bolte hai na ki itna gandagi kyun phaila hua hai, because if we don't take the responsibility from our side to keep the surroundings clean, we'll never get to place, we'll never get to where we want to be. That's one thing. Secondly, especially when you're changing the lanes, be it a biker or a car or anything, please put on the indicator so that, you know, it will help the person behind you to plan, right, to take the necessary action. Okay, the moment, I mean, aap bina indicator diye hue aap lane change kar doge, so it's very difficult. You're not risking yourself, you're risking the others on the road as well. So these are the two things I would like to, you know, share it with you guys, convey it across this video, so that, you know, you understand the importance of, you know, having the safety on the road. Okay, I hope you're clear in terms of what I wanted to convey with you guys. So that's it, that's all from this video. I hope you enjoyed it. We have enjoyed it, if not too much adventurous, but, you know, we had a good time with the friends. That's important as well sometimes. Okay, so that's it. So live life, keep traveling, follow your passion. Signing off, Raj. I'll see you again in the next video. Till then, take care, bye bye. Jai Hind, love you all.